Unit Second, Class Second, Subject GK, Chapter Twenty One, Musical Instrument. Music give us enjoyment. It also, it also us to relax. Given video are pictures of some musical instruments. Their names are given in the help box. रिकोगनाइज दिस पिक्चर्स एंड नेम दीम यहाँ पे हम लोगों को कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दिए गए जो हमें रिलैक्स होने में हेल्प करती है और यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं जो जिसकी हेल्प से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो सो फर्स्ट इज अ गिवेन यू कैन सी हियर अ गिवेन अल्प बॉक्स हेल्प बॉक्स यू कैन सी हियर इज अल्प बॉक्स हियर इज अ गिवेन अ सम इंस्ट्रूमेंट्स नेम यू कैन सी ओके सो हम लोग यहाँ से हेल्प बॉक्स से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के नेम देखेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे सो हियर इज अ गिवेन अहनाई यू कैन सी सहनाई Sahnai is a given here and Sehanai and here is a given uh, you can see Sehanai this is a sehnai and this is a violin this instrument name is violin and this instrument name is sehnai okay and third one is this instrument is name is tabla this instrument name is a tabla okay this instrument name is. Tabla, okay, and uh, next sitar. Fourth is sitar. This instrument name is sitar, and uh, this instrument name is Sehna. harmonium. This instrument name is harmonium. You can see uh, spelling is also given in a help box and also uh, right also here, and this is a dholak, okay. This is a dholak and uh, sitar and dholak and here is a veena this instrument name is veena and this instrument name is uh, guitar this instrument name is guitar and this instrument name is a drums okay students so you can see you can see here is a given uh, some instruments and their name sehnai sehnai Voil, sehnai violin tabla and uh, sitar 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 harmonium dholak and uh, and veena guitar and drums okay So, you can see this instrument's name. Okay. So, Sehnai, violin, tabla, sitar, harmonium, dholak, and veena, guitar, and drums. Okay. So, this is a musical instrument. You can see uh, this picture of instrument and uh, recognize these pictures and name also you can know. आप इसके थ्रू आप जान सकते हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं और उनको क्या कहते हैं ठीक है एंड नेक्स्ट चैप्टर इज दिस चैप्टर ट्वेंटी टू अनकॉमन एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे कुछ एनिमल्स अनकॉमन एनिमल्स थे कॉमनली जैसे जनरली हम लोगों को कौन कौन से एनिमल दिखते हैं काऊ डॉग्स बफेलो हॉर्स ये सब बहुत सारे एनिमल्स हम लोग देखते हैं कॉमनली सभी देखते हैं सभी देखे होंगे बट कुछ अनकॉमन होते हैं जो जनरली हम लोग को नहीं दिखते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ सम आर कॉमन एंड वी सी दम आफ एंड सम आर अनकॉमन एंड आर सीन एंडली हम लोग रियरली देख पाते हैं लुक एट दिक्चर्स ऑफ सम अनकॉमन एनिमल्स गिव एन विलो आर कम्प्लीट दर्स ग्रीड यूज दू गिव एन ईच एनिमल्स यहाँ पे ग्रीड्स में दिए हुए हैं हम लोगों को तो इस पे हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं और यहाँ पे हम लोगों को अक्रॉस यहाँ पे कुछ उसके बारे में दिया हुआ है जिसको हम लोग जान सकते हैं इसके थ्रू सो फर्स्ट इज अ फर्स्ट इज अ अंडियर इज अ रिटेन अ रेंडियर रेंडियर ओके रेंडियर दिस इज अ रेंडियर ओके ये रेंडियर है आपका आप देख रहे हो यहाँ पे आप देख सकते हो रेंडियर एंड हीयर इज अ गिवेन इट इज़ वेरी बिग हॉड रेंड इयर के पास क्या होता है बहुत बड़ी सींग होती है सो दिस इज अ रेंड ईयर ओके सेकेंड इज अ दिस एनिमल इज एंड इंटेलिजेंट ऐप जो ये एनिमल है वो एक इंटेलिजेंट ऐप होता है तो सेकेंड वन इज दिस एनिमल इज इंटेलिजेंट ऐप दिस एनिमल इज इंटेलिजेंट ऐप दिस इज अ चिम्पैन जी सेकेंड सेकेंड नंबर यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है तो दिस इज अ चिम्पैन जी एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज थर्ड वन इज दिस इज़ अ गोरिल्ला गोरिल्ला यू कैन सी गोरिल्ला गोरिल्ला इज हीयर थर्ड नंबर यहाँ पे थर्ड वन लिखा है गोरिल्ला गोरिल्ला इज़ अ एंड लार्जेस्ट ऐप दिस एनिमल इज लार्जेस्ट ऐप ठीक है ये uh, जो आपका चिम्पैंजी है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और जो गोरीला है वो बहुत बड़ा होता है ठीक है एंड फोर्थ वन इज फोर्थ वन इज फोर्थ वन इज रैनोसोर फोर्थ वन इज अ रैनोसोर यहाँ पे दिया हुआ है आपके रैनोसोर दिस इज अवेना रैनोसोर पिक्चर्स एंड वन मोर थिंग रैनोसोर दिस इज एनिमल हैज वेर दिस एनिमल हैज़ अ हॉर्न ऑन इट्स नोस इस एनिमल जो रेनोसोर होते हैं इसके इसमें इसके नाक में जो होता है वो सिंह जैसा होता है ठीक है

वाटर और लैंड जमीन और पानी दोनों में रहता है तो दैट एनिमल इज विच एनिमल दिस इज अ क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल फिफ्थ इज फिफ्थ का क्रॉस इधर के साइड बना है आप देख रहे हो तो फिफ्थ इज हियर ये आपका जमीन और पानी दोनों में चलता है तो दिस इज अ अडाइल ओके दिस इज अ अडाइल एंड नेक्स्ट इज सेक्स सेक्स दिस एनिमल एग्जिस्टेड इन द पास्ट ये पीछे की तरफ चलता है दिस इज अ सेक्स एनिमल this animal is six animal and this uh, you can see six is a dinosaur. aap dekh rahe ho ye dinosaur hai dinosaur है ये dinosaur है आपका ये पीछे की तरफ पैर करके चलता है so you can see and uh, नेक्स्ट इज सेवेंथ दिस एनिमल फीड्स मेनली ऑन बम्बू लीव्स ये जो है ये सेवेंथ एनिमल जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है सेवेंथ एनिमल ये मेनली बम्बू बम्बू लिप्स ही खाता है मतलब बम्बू के आ, पत्ते ही खाता है इसलिए इसको बोल इसका नाम क्या है पांडा तो यू कैन सी दिस इज अ पांडा पिक्चर आपने देख लिया यहाँ पे आप यहाँ पे पांडा फिल कर लोगे और पिक्चर आपने देख लिया है कि पांडा ये है पांडा और इसके पिक्चर्स यहाँ पे ये मेनली क्या खाता है बम्बू लिप्स ही खाता है ठीक है तो ये आप देख सकते हो पांडा यहाँ पे आप पांडा फील कर लोगे यहाँ पे पांडा का पिक्चर है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेनली बम्बू लिप्स खाता है इट इज दिस एनिमल रिसम्बल्स और बफेलो ये जो एनिमल है ये देखने में एकदम बफेलो जैसा रहता है भैंस जैसा रहता है दिस नेम इज विशन दिस एट एट नंबर ये आप देख रहे हो ये एट नंबर पे है विशन ये देखने में बफेलो जैसा लगता है ठीक है सो यू कैन सी दिस एनिमल रिसम्बल बफेलो दिस नेम इज विशन ओके विशन यू कैन राइट अ हीयर आप यहाँ पे विशन फील कर लोगे ओके यहाँ पे बी आई एस ओ एन बिशन ओके सो दिस चैप्टर इज़ आई आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इफ यू एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ओके अनकॉमन एनिमल्स थे फर्स्ट इज अ फर्स्ट इज अ रैंडियर ओके एंड सेकेंड इज अ पैन सेकंड सेकेंड इज अ चिमपैन And third one is gorilla, gorilla. Third one is gorilla, and third one is gorilla, and fourth is, fourth is, fourth is a uh, rhinoceros. Fourth is rhinosaur, and fifth is a crocodile, fifth is a crocodile, fifth is a crocodile, fifth is a fifth is crocodile okay you can see fifth is a crocodile and six is a six is a dinosaur six is a dinosaur and seventh is, uh, seventh is a panda. Seventh is a panda. And uh, seventh is a panda. And it is a vision. It is a vision. Okay. It is a vision. This is a vision picture. Okay. So, this chapter is done. I hope you understand. It is very big horn. This is a randia. And second is a. Uh, this is a very big horn this is a reindeer. second this animal is an intelligent ape this is a chimpanzee and third one is a, this animal is a largest ape this is a gorilla fourth is this animal has a horn on its nose this animal has uh, a horn on its nose and uh, fifth is this uh, fifth is this animal lives both

यू यू सी दैट वेन यू मिक्स द टू कलर्स यू गेट अ न्यू कलर्स अगर आप दे फिर आप देखोगे कि आप दो कलर मिक्स करके एक नया कलर आपको मिलता है रिकोगनाइज इच न्यू कलर यू गेट एंड राइट इट्स नेम इन देस गिवेन द हेल्प बॉक्स ऑफ हथ फॉर योर हैंथ आपके हिंट के लिए हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है आप पहले इन दोनों कलर को मिक्स करोगे यहाँ पे दो कलर्स दिए हुए हैं दिस रेड एंड दिस ग्रीन और ये पहले इस पे रेड करना है आपको उसके ऊपर से ग्रीन करना है और फिर आप देखोगे कि तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर मिलेंगे ठीक है आप कलर करोगे तो देखोगे कि आपको यहाँ पे फिर ब्राउन कलर मिलेंगे एंड नेक्स्ट सेकेंड वाला आप देख रहे हो आप पहले येलो कलर करोगे रेड कलर पहले इसमें येलो कलर करोगे फिर उसके बाद रेड कलर करोगे इसके येलो के ऊपर से तो आप देखोगे तो आपको ये ऑरेंज कलर मिलेगा ठीक है एंड थर्ड वन इज पहले वाइट वाइट करोगे जनरली uh, हम वाइट कलर पेंसिल कलर क्रॉन्स कलर तो नहीं यूज कर सकते बट इफ़ यू यूज पेंट कलर सो यू कैन डू वाइट और पिंक आप जब मिलाओगे मिक्स करोगे सॉरी वाइट और रेड जब आप मिक्स करोगे तो आप देखोगे तो आपको पिंक कलर मिलेगा क्योंकि वाइट रेड आप थोड़ा सा लिए फिर उसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स कर लोगे तो आप देखोगे कि जो रेड है वो हल्का होके पिंक हो जाता है तो ये हम वाटर कलर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे आप यूज़, यूज़ करोगे तो एकदम एग्जैक्टली exactly तो नहीं फिर भी नियर अबाउट मिलेगा वाइट वाइट एंड रेड पहले इसमें व्हाइट करना है आपको फिर रेड करना है देखोगे तो आपको पिंक कलर मिलेगा आपको इसको कलर करना है ठीक है एंड नेक्स्ट थर्ड रेड एंड ब्लू आपको रेड फोर्थ में रेड एंड ब्लू करोगे तो आप देखोगे इसमें आपको वायलेट कलर मिलेगा ठीक है आप इसको देखोगे तो आपको वायलेट कलर मिलेगा एंड नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लू एंड येलो आप इसमें ब्लू और येलो कलर करोगे जब आप इसमें ब्लू और इसमें ब्लू और इसमें येलो कलर करोगे तो आप देखोगे कि इसमें आपको इसमें कौन सा कलर आपको मिलेगा ब्लू और येलो करने के बाद आपको इसमें ग्रीन कलर मिलेगा ठीक है आपको यहाँ पे ग्रीन कलर मिलेगा जब आप ब्लू और येलो करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ग्रीन कलर मिलेगा ठीक है सो तो यहाँ पे आपको आपको इसमें दोनों कलर करके इसको पूरा कलर को कंप्लीट करना है ओके यहाँ पे हेल्प के बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे दिए हुए थे इसमें से आपको चूज करने थे देन ट्वेंटी फोर ओके नेशनल फ्लैग्स एवरी कंट्री हैज इट्स वो नेशनल फ्लैग सभी कंट्री का जैसे हमारे कंट्री का नेशनल फ्लैग है वैसे ही सभी कंट्री में उनका एक नेशनल फ्लैग होता है इट इज अ साइन ऑफ प्राइड फॉर वंस कंट्री ये हमारे कंट्री का एक गर्व होता है जिससे हमें एक देखने में इसको लगता है कि यह हमारे कंट्री की शान है देन गिवेन विलो आर द नेशनल फ्लैग्स ऑफ सम कंट्रीज रिकोगनाइज देम एंड राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग्स यूज़ द हेल्प बॉक्स फॉर क्लू आपको क्लू के लिए हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं और आपको सारे कंट्रीज़ के फ्लैग को पहचानने हैं और इनके नीचे किस कंट्री का है किस कंट्री से ये फ्लैग बिलोंग करता है आपको उसके नेम लिखें तो फर्स्ट यू कैन रिकोगनाइज इन ईजी वे यहाँ पे आप देख रहे हो हेल्प बॉक्स में आपको दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में यहाँ पे आपको दिया हुआ है आप ये देख रहे हो इटली चाइन इटली चाइना जर्मनी इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया फ्रांस यूनाइटेड किंगडम भूटान ठीक है देन फिर आप आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट फ्लैग इज इन इंडिया ये आपके इंडिया का फ्लैग है सेकेंड इज बिलोंग टू श्रीलंका एंड थर्ड इज बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड सॉरी एंड नेक्स्ट नेक्स्ट फोर्थ इज फोर्थ इज बिलोंग टू फोर्थ इज बिलोंग टू फ्रांस फोर्थ इज़ बिलोंग टू फ्रांस जो आपका फोर्थ वाला है वो फ्रांस से बिलोंग करता है फ्रांस दिस इज अ बिलोंग टू फ्रांस एंड दिस इज अ यूनाइटेड किंगडम यूके शॉर्ट फॉर्म यूनाइटेड किंगडम का होता है यूके ये फ्लैग जो है वो ये आपका फ्रांस का है और ये आपका यूनाइटेड किंगडम का है दिस इज़ अ फ्लैग ऑफ भूटान ये आपका भूटान का फ्लैग है यू कैन रिकॉग्नाइज एंड राइट दियर्स कंट्री नेम आपको इसको पहचानना है इस फ्लैग को और इसके कंट्री के नेम आपको नीचे लिखने हैं एंड दिस फ्लैग इज दिस फ्लैग इज़ बिलोंग टू जर्मनी ये आपको आपके जर्मनी से बिलोंग करता है दिस फ्लैग इज़ बिलोंग टू जर्मनी ंग टू जर्मनी एंड फ्लैग इज बिलोंग टू इटली आप देख रहे हो हमारे फ्लैग में ऐसे ऐसे होते हैं और इनके फ्लैग में इस वे में है तो ये इटली का फ्लैग है ओके एंड दिस फ्लैग इज बिलोंग टू चाइना ओके दिस फ्लैग इज बिलोंग टू चाइना ये हमारे चाइना का फ्लैग है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आई होप आप इसको कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं आपको बस पहचानना है इसमें इसके थ्रू इस चैप्टर के थ्रू आपको कंट्री के फ्लैग पहचानना और किस कंट्री का फ्लैग है वो चीज़ें आपको बताना है और समझाने का पर्पज़ है ठीक है दिस फ्लैग इज फ्रॉम फर्स्ट फ्लैग इज इंडिया सेकेंड इज सेकेंड इज श्रीलंका थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया फोर्थ इज फ्रांस फिफ्थ इज यूके यूनाइटेड किंगडम सिक्स इज भूटान सेवन इज जर्मनी एंड एट इज इटली एंड नाइन इज चाइना फ्रॉम चाइना ये चाइना का चाइना से है ये चाइना का है ठीक है एंड चैप्टर ट्वेंटी फोर स्क्वायर्स यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स दिए हुए कंप्लीट द स्क्वायर्स इस स्क्वायर्स को हमें कंप्लीट करने हैं ये ब्रेन शार्पनेस है इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है बस आपको एक केयरफुली एक माइंड लगाना है कि हमें इसमें करना क्या सो यू कैन सी फर्स्ट अरेंज द नंबर्स थ्री फोर फाइव इन इन सच अ वे दैट द टोटल इन ऑलवेज ट्वेल्व आपको उस तरीके से यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कुछ फील करने हैं जिसमें जिसको जिसने भी तरीके से हम जोड़े ट्वेल्व आए सो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे फाइव दिए हुआ फाइव है फोर है और फोर है यहाँ पे यहाँ पे भी फोर है यहाँ पे थ्री है ठीक है आपको सभी रोज में रो में क्या करना है हम लोगों को सभी रो में क्या तीन नंबर लिखने हैं थ्री फोर सॉरी थ्री फोर फाइव इन सच अ वे दैट द टोटल इज इज़ ऑलवेज ट्वेल्व तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी आपके फाइव और फोर दिए हुए हैं फाइव और फोर दिए हुए हैं तो इसमें हमको इस इस रो में मेरा फाइव और फोर हो गया तो हमको इसमें क्या करना है थ्री एक नंबर मिसिंग है तो इसमें हम लोग क्या फील कर लेंगे थ्री तो ये वाला रो कम्प्लीट हो गया ठीक है अब यहाँ ये वाला रो देखते हैं ये वाला यहाँ पे आपको फोर ऊपर दिया हुआ है और नीचे आपके थ्री दिया हुआ है तो बीच में हमको क्या फील करना होगा फाइव क्योंकि ऑलरेडी आपका गिवेन है ऑलरेडी आपको गिवेन है यहाँ पे फोर है आपको फोर दिया हुआ है फोर है यहाँ पे और यहाँ पे फाइव है यहाँ पे थ्री है तो आपको बीच में क्या फील करना होगा फाइव क्योंकि आपको ये थ्री ही नंबर यूज करने हैं हमेशा ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी और ऐसे भी हर तरीके से आपको थ्री नंबर्स आने चाहिए तो आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे फिर ऐसे आप देख रहे हो तो आप यहाँ से देखोगे तो देखोगे फोर एंड थ्री है फोर एंड थ्री तो बीच में आप क्या फील कर लोगे फोर एंड थ्री साइड साइड में यहाँ पे फाइव फील कर लोगे अब ये वाला रो देखोगे आप तो यहाँ पे फाइव और फोर दिए हुए हैं तो हम बीच में क्या फील कर लेंगे थ्री ठीक है क्योंकि हमको अब इसको टोटल करेंगे जब हम जब हम इसको टोटल करेंगे तो देखेंगे कि इधर से आप देखोगे फोर आप इसको टोटल करोगे तो देखोगे फोर फाइव थ्री टोटल करने पर कितना आएगा ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है और यहाँ पे फाइव थ्री फोर करोगे तो भी ट्वेल्व आ जाएगा और यहाँ पे फोर थ्री फाइव थ्री फोर भी करोगे तो भी ट्वेल्व आ जाएगा तो किसी भी एंगल से आप इसको करोगे तो ट्वेल्व ही आएगा तो सेम एज़ दिस ऑल्सो ये वाला भी जो आपका है ये वाला अरेंज है वो भी सेम एज है इसमें बस इसमें क्या करना है इसमें आपको जो दिया हुआ था थ्री फोर फाइव और यहाँ पे आपको दिया है टू फाइव एट टू फाइव एंड एट और इसको जोड़ने पे आपका फिफ्टीन आना चाहिए तो आप देखोगे सेम एज़ वही वही फॉलो करना है यहाँ पे आपको टू और फाइव दिया हुआ है ठीक है गिवेन है एट और फाइव गिवन है तो बीच में हमको क्या करना है टू फिल कर देना है ठीक है एट और फाइव गिवेन है तो हम क्या करेंगे इसमें टू फिल कर देंगे एंड फिर ऐसे ही यहाँ पे देख रहे हो इधर फाइव फाइव और टू दिया है तो बीच में हम क्या फिल कर देंगे एट फिल कर देंगे यहाँ पे देख रहे हो फाइव और टू दिया है बीच में हम एट फिल कर देंगे यहाँ पे एट और फाइव दिया हुआ है तो बीच में हम क्या टू फिल कर देंगे एक एक नंबर इसमें मिसिंग है टू फाइव एट थ्री नंबर है जिसमें दो नंबर दिए हुए एक नंबर आपको फिल करने है तो उस रो में आपको दो नंबर ऑलरेडी फिल है आप देख रहे हो यहाँ पे दो नंबर आपके फील है और आपको केवल एक एट और फाइव यहाँ पे फील है आपको टू फिल करने है इधर फाइव और टू फील है तो बीच में आपको एट फिल करने हैं इधर आप देख रहे हो एट और फाइव फील है तो आपको बीच में टू फिल करने हैं ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है नेक्स्ट सेम एज अरेंज द नंबर्स फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पे फोर फाइव सिक्स दिए हुए हैं और टोटल करने पर आपका फिफ्टीन आएगा तो आप इसको देख सकते हो सेम एज फोर फाइव दिया हुआ है इसमें आपको सिक्स फिल कर देंगे फिर यहाँ पे फाइव सिक्स दिया हुआ है तो बीच में फोर फिथ फील करेंगे एंड आप ये देख रहे हो फोर एंड फाइव दिया हुआ है तो यहाँ पे आप सिक्स फिल करोगे और यहाँ पे फाइव और सिक्स दिया हुआ है तो आप यहाँ पे फोर फिल कर लोगे तो आपको ये तीन ही नंबर फिल करने हैं और ईच एंड एवरी रो और टोटल करने पे आपका फिफ्टीन आना चाहिए तो ये आप इसको टोटल करके भी देख लोगे तो ये फिफ्टीन ही आ रहा है ठीक है यहाँ पे फाइव फोर सिक्स तो यहाँ पे सिक्स फाइव अलेवन एंड फोर फिफ्टीन ऐसे इधर से भी देख लो किसी भी एंगल से आप देखोगे फिफ्टीन ही आएगा एंड अरेंज द नंबर्स फिफ्ट fifth fifth six and seven in such a way that the total is always 18 <coughs> तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो भी देखोगे इसमें क्या करना है, five, six, आपको इसमें five, six, करना है. तो आप देख रहे हो फाइव और सेवन दिया हुआ है तो इसमें हम क्या फील कर लेंगे सिक्स और यहाँ पे देख रहे हो सेवन और सिक्स दिया हुआ है तो बीच में हम क्या फील कर लेंगे फाइव तीन ही नंबर फील करना है दो ऑलरेडी आपको गिवेन है एक ही फील करना है एंड ईयर इज अवन है सेवन एंड सिक्स तो बीच में हम क्या करेंगे फाइव और ईयर इज अगेन है फाइव एंड सेवन तो बीच में हम सिक्स फिल कर लेंगे तो ऐसे ये हमारा कम्प्लीट हो जाएगा एंड फाइंड फाइव थ्री लेटर्स वर्ड फ्रॉम द लेटर स्क्वायर यहाँ पे लेटर स्क्वायर में आपके फाइव वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हमको आपको देखना है कि कैसे है और इसको एक हमको वर्ड बनाना है तो यू कैन सी दिस कैट सी ए टी कैट ओके एंड सेकेंड इज सेकेंड इज E X E X। तो यहाँ पे ई एक्स ई एक्स कर लिया हम लोगों ने एंड थर्ड वन इज पिन पी आई एंड पिन तो पी आई एन पिन कर लिया हम लोगों ने एंड फोर्थ इज अ कैप दिस टाइप कैप ऐसे देखेंगे हम लोग तो कैप तो यहाँ पे हम लोगों ने कैप कर लिया एंड वन मोर थिंग्स इज अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा एंड लास्ट इज अ टेन जब हम लोग ऐसे इसको देखेंगे तो एक ये सॉरी आप इसको ऐसे देखोगे तो ये देखोगे कि यहाँ पे टेन बन जा रहा है तो टी ई एंड ओके सो दिस चैप्टर आई थिंक यू अंडरस्टैंड इसमें थ्री थ्री लेटर्स हैं जिसमें एक मिसिंग है तो तीनों में से एक जो भी मिसिंग है वो बीच में आप फील कर लोगे और जब उसको टोटल करोगे तो देखोगे कि वो किसी भी एंगल से टोटल करने पे यहाँ पे ट्वेल्व आ रहा है यहाँ पे टोटल करने पे फिफ्टीन आएगा यहाँ, यहाँ पे टोटल करने पे भी फिफ्टीन आएगा यहाँ पे आपका एटीन आएगा सो so, और ये उसी उसी फॉर्मेट में उसी स्क्वायर फॉर्मेट में आपको इसको इस वर्ड को कंप्लीट करना है सो नेक्स्ट इज बॉडी पोस्चर्स यहाँ पे कुछ बॉडी पोस्चर्स दिए हुए हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है हमें हेल्थी रहने के लिए कि हम कैसे हेल्दी होंगे तो बॉडी पोस्चर्स हेल्थ एंड फिटनेस गुड पोस्चर इज द विंडो ऑफ गुड हेल्थ गुड पोस्टर्स स्ट्रेंथ Uh, strength, body musculars. Sorry, body muscles to perform everyday activities more efficiently to improve your posture. Try the following pose under the supervision of your elders. Write the name of the following pose in the blank provided. Use the hal box. <coughs> यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दी हुई है यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दी हुई है और कुछ पोस्टर्स दिए हुए हैं ट्राइंगल आप देख रहे हो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है फर्स्ट इज ट्राइंगल पोज सेकंड इज माउंटेन पोस्ट थर्ड इज अ ट्री पोज फोर्थ इज अ प्लग पोज फिफ्थ इज फोर्थ सॉरी फिफ्थ इज हाफ मून पोज एंड सिक्स इज हैंड टू फुट पोज तो ये सारे पोज दिए हुए हैं यहाँ पे हेल्प बॉक्स में अब हमको इनको देखना है इन पोज के नेम लिखने फर्स्ट इज अ माउंटेन ये आप देख रहे हो ये सीधे खड़ी हुई है तो ये आप यहाँ पे माउंटेन दिस इज दिस पोज नेम इज माउंटेन पोज ये माउंटेन की तरफ पहाड़ की तरफ बस ऐसे स्टैंड मोड में खड़ी तो दिस इज अ माउंटेन पोज ओके दिस इज अ माउंटेन पोज एंड सेकेंड इज अ ट्री पोज ऐसे आपका ट्री होता है आप देख सकते हो आपका ट्री ऐसे होता है ट्री आपके ऐसे ही होते हैं तो दिस इज अ ट्री पोज दिस नेम इज ट्री पोज ट्री पोज एंड थर्ड वन इज अ ट्राइंगल पोज ये आप देख रहे हो ये स्टैंड है इस तरीके से कि ट्राइंगल बन रहा है ठीक है ये ऐसे खड़ी है कि ट्राइंगल बन रहा है तो दिस इज अ ट्राइंगल पोज ओके दिस इज अ ट्रैंगल पोज एंड फोर्थ इज हैंड टू फुट पोज Hand to foot pose, you can see hand to foot pose. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाथ से पैर को ऐसे touch कर रही है तो हाथ से पैर को touch कर रही है इसलिए ये hand to foot pose है okay? And plug pose, आप ये देख रहे हो plug की तरह ऐसे बना हुआ है तो ये this is a अ pose, okay? This is a अ pose and uh, this is a half moon pose. आप देख रहे हो यहाँ पे हाफ मून बन रहा है हाफ मून ऐसे ही होता है ना हाफ मून आप बनाते हो कॉपी में तो ऐसे आपका हाफ मून होता है तो दिस इज अ मून पोज ओके हाफ मून पोज आधा आधा मून होता है ना आधा चंद्रमा तो उस तरीके से ये है इसलिए इसको बोलते हैं हाफ मून पोज सो यू कैन सी दिस पोज एंड रिकोगनाइज दिस पोज कि ये पोज कैसे पोज कौन से पोज होते हैं दिस इज माउंटेन पोज this is a mountain pose this is a mount this is a mountain pose this is a mountain pose this is a mountain pose this is a tree pose this is a triangle pose and this this is a hand to foot pose hand to foot pose this is a plug pose and this is a half moon pose okay so you can i think you hope understand दिस चैप्टर्स, ओके ये सारे पोज थे पोज जैसे हम लोग कोई ऐसे हाथ करके ऐसे आप फोटो क्लिक कराते हो तो बहुत सारे पोजेस देते तो ऐसे ये यहाँ पे भी कुछ पोज दिए हुए हैं जिनके नेम दिए हुए हैं तो हम लोग इनको पोज को देख के और इनका नाम लर्न कर लेंगे कि इनके कौ, ये कौन कौन से पोज हैं एंड चैप्टर सेवन इज एनिमल वर्ल्ड ठीक है देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल ऑन द अर्थ they have different shapes and size. each animal is unique. सभी यूनिक होते हैं तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए Given below आर द डिस्क्रिप्शन एंड द पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स रीड ईच description एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स यूज द पिक्चर ऑफ़ पिक्चर्स क्लू given. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स और क्लू given है हम लोग इसको देख सकते हैं दिस चैप्टर यू कैन सी केयरफुली एंड फर्स्ट इज द इज नोन एज दिप ऑफ डेजर्ट यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है द इज नोन एज दिप ऑफ डेजर्ट सो आई थिंक यू नो वेरी वेल हुट सो सो कैमल इज अज सी पॉप डेजर्ट हियर इज अ नेम ऑफ हियर इज अ गिवेन अ कैमल पिक्चर एंड हियर इज ऑल्सो कैमल पिक्चर सो यू नो आई थिंक यू नो वेरी वेल camel is known as the sip of desert so camel is known as the sip of desert second the the is the largest sea animal which is the largest sea animal so valley's valley's largest sea animal okay sea animal and uh, <coughs> third third one is the is the largest land animal जेस्ट लैंड एनिमल तो दैट इज अलिफेंट एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल लार्जेस्ट लैंड एनिमल एंड फोर्थ इज द कैरी इट्स ऑन इट्स कौन अपने कौन अपने बच्चे को अपने पाउच में कैरी करता है अपने पाउच में पकड़ के लिए जाता है तो दैट इज अंगारू ओके दिस इज अ कंगारू यू नो कंगारू एंड फिफ्थ इज द इज द टॉलेस्ट ऑल एनिमल सबसे लंबा एनिमल कौन होता है तो दिस इज अ जिराफ द जिराफ इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल सब सभी एनिमल में सबसे लंबा जिराफ होता है तो यहाँ पे जिराफ का पिक्चर्स दिया हुआ है आप देख सकते हो दिस इज जिराफ ओके जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल

जो डायनासोर है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है ठीक है तो दिस चैप्टर चैप्टर इज़ डन एंड क्रिकेट क्रिकेटी यहाँ पे कुछ क्रिकेट के रूल्स uh, दिए हुए हैं क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया चैप्टर ट्वेंटी एट है आपका इन द इन दिस गेम टू टू टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर दो टीम्स होती है जो एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करती है मैड एन ओवर एंड एंड एम्पायर इज अ पर्सन हु गिवस वेरियस डिसीजन ड्यूरिंग द गेम्स रिकोज रिकोगनाइज एंड राइट वट साइन द अंपायर इज मेकिंग यूज द हेल्प यूज द हेल्प बॉक्स यहाँ पे कोई भी जब ड्यूरिंग अ प्ले जब uh, दो टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती है और उसमें जो अंपायर होता है जो डिसीजन देता है कि कौन क्या किसने कैसा खेला और क्या क्या उसमें कौन कौन से साइन का क्या क्या मतलब होता है तो वो एम्पायर जो होता है उसके उसने कौन से साइन पे देने पर क्या होता है वो देखते हैं <coughs> सो दिस इज अ साइन ऑफ वाइड बॉल जब अंपायर दोनों हैंड्स को ऐसे शेप में करता है तो वो वाइड बॉल इसका मतलब है कि ये बॉल वाइड गई है एंड एंड सेकंड इज लेग बाय लेग बाय ये जो लेग होता है ऐसे जब करता है तो ये लेग बाय के साइन है एंड जब सिक्स रन होता है तो दोनों हैंड्स ऊपर हो जाते हैं एंड फोर्थ इज फोर फोर रन फोर रन में उसके एक हैंड्स कमर पर होते हैं एक हैंड्स नीचे के साइड होते हैं दिस इज अ फोर फोर रन के साइन है एंड फिफ्थ फिफ्थ इज अ नो बॉल नो बॉल आप एक हैंड्स साइड में होता है और एक हैंड नीचे होता है दिस इज अ नो बॉल मतलब ये बॉल सही नहीं ये बॉल नहीं है मतलब इस बॉल का इस बॉल का मान्य नहीं है ये बॉल नहीं माना जाएगा एंड दिस इज़ अ आउट साइन ऑफ आउट आई थिंक यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स बिकॉज आप लोग मैथ्स देखते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये जानते होंगे कि किसके क्या क्या साइन है ठीक है वाइट बॉल लेके एंड सिक्स फोर नो बॉल एंड आउट ओके ट्वेंटी नाइन इज बाइंग पावर मनी यहाँ पे कुछ पावर्स और मनी के बारे में है एवरी कंट्री हैज इट्स ओन मनी कॉल्ड करेंसी सभी कंट्री का अपना खुद का एक मनी होता है जिसको हम करेंसी बोलते हैं द कंट्री मे बी इन द फ्रम इन द फॉर्म ऑफ़ और दैंक्स नोट दिस इज बिलो आर द पिक्चर्स सम करेंसी नोट्स एंड द नेम्स ऑफ़ द कंट्रीज वेयर दे आर यूज ड्रॉ लाइन्स टू मैच द करेंसी विद द कंट्री वेयर इट इज यूज यहाँ पे कुछ करेंसी के नेम दिए हुए हैं और उसके कंट्री के नेम दिए हुए हैं उस कंट्री के करेंसी को उसे मैच करना है तो दिस इज यूनाइटेड किंगडम यूके यूके में हमारा क्या चलता है पॉन्ड चलता है एंड सेकेंड इज अ यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिस इज अ डॉलर एंड यूरोपियन करेंसी इज यूरो जो यूरोपियन करेंसी है वो हमारे यूरो है और ये यू ए तो दिरहम यू ए में आपका दिरहम चलता है एंड पाकिस्तान में आपका रूपी चलता है ठीक है ओके okay? तो आपको इसको मिक्स मिक्स मैच करना है कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलता है रुपया हम लोग यहाँ पे रुपीज़ चलता है ऐसे ही सेम एज़ अदर अदर कंट्री में कहीं डॉलर पैसे को कहीं डॉलर में बोलते हैं इतने डॉलर इतने डॉलर इतने डॉलर कहीं पाउंड बोलते हैं इतना पाउंड जैसे हम लोग क्या बोलते हैं दस रुपये बीस रुपये पचास रुपये ऐसे वहाँ पे इतने पाउंड उतने पाउंड उतने पाउंड बोलते हैं और रुपीज़ में बोलते हैं यूरो में बोलते हैं इतना यूरो इतना यूरो सो दैट इज़ अ उस कंट्री में पैसे को इस वे में बोलते हैं रुपया को तो यू कैन सी दिस चैप्टर एंड लास्ट इज वन इको फ्रेंडली हैबिट्स यहाँ पे कुछ फ्रेंडली हैबिट्स ही है हियर आर जम्बो टॉकिंग अबाउट दिस हैबिट्स यू कैन यू कैन यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज एन इको फ्रेंडली हैबिट्स और नॉट इफ इट इज एंड इको फ्रेंडली हैबिट्स ड्रॉ अ स्म दिवेन फेस इफ इट इज नॉट एंड इको फ्रेंडली है कुछ अच्छे हैबिट्स हैं जिसमें हमें स्माइली फेस बनाना है और जो बैड हैबिट्स हैं उसमें सैड फेस बनाना है तो आई लिसन म्यूजिक एट अ वेरी लाउड वैल्यूम क्या हम लोगों को जो म्यूजिक है आ, क्या जो म्यूजिक है उसे हमें बहुत लाउड वैल्यूम में सुनना चाहिए तो ये बैड हैबिट है तो हमको इसको क्या करना है सैड बनाना है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग हमने क्या किया है ये सैड का साइन बना दिया ऐसे माउथ होता है आप देखोगे कि ऐसे माउथ होता है तो इसमें मुंह में एक सैड स्माइल का साइन होता है एक सैड का साइन होता है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग सैड का साइन बना लेंगे एंड सेकेंड वन इज आई थ्रो गार्बेज इन अबिन हम लोगों को जो गार्बेज है जो कूड़ा है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए तो यस yes. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें स्माइल कर लेंगे ठीक है इसमें हम लोग स्माइल कर लेंगे एंड वन इज़ आई यूज़ लेफ्ट इन अ बॉटल टू वॉटर प्लांट अगर जब हमारे बॉटल में पानी बचता है तो हमें क्या उसको वॉटर प्लांट को देना चाहिए या फेक ऐसे ही फेक देना चाहिए कहीं भी तो हमको उसको क्या करना चाहिए वॉटर प्लांट में देना चाहिए तो दिस इज स्माइली ये गुड हैबिट्स है एंड फोर्थ वन इज आई डो नॉट वेस्ट फूड हमें क्या हमको वेस्ट हमें फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए तो ये गुड हैबिट्स है तो इसमें भी आप स्मिंग कर लोगे। लोग आई ब्रेक प्लांट फॉर फॉन हमें मजाक मजाक में या मजाक के लिए प्लांट्स को तोड़ देना चाहिए तो ये बैड हैबिट्स है तो ये हम लोग को क्या करना है इसमें सेड कर देना है एंड सिक्स वन इज आई वेस्ट वाटर वाइल्ड बाथिंग क्या हमें जब हम वाशरूम में होते हैं तो क्या हमें वाटर वेस्ट करना चाहिए ये गुड हैबिट है नहीं ये तो बैड हैबिट है तो इसमें हमें सैड वेस्ट करना है एंड एंड वन मोर थिंग्स आई मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर शॉपिंग क्या आज हमें अपने शॉपिंग के लिए जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने तो हमें शॉपिंग के लिए आ, ओल्ड न्यूज़ जो पेपर होते हैं उसके पेपर बैग बनाना चाहिए तो इट्स अ गुड हैबिट्स हम लोग को उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए उसका हम पेपर बैग बना के उसको मार्केट जाके यूज़ कर सकते ताकि हम प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें थैला मार्केट का कम से कम यूज़ करें और कम से कम पॉल्यूशन होगा फिर एंड लास्ट वन इज़ आई यूज़ डिस्पोजल ग्लास इंस्टीट फॉर द री रीयूजेबल वंस अगर जो डिस्पोजल ग्लास है उसको हमको फिट्स से क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं अगर कभी कभी होता है कि अगर आप उसको पीने के लिए यूज कर सकते हो तो इट्स अ गुड इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड कभी कभी हम लोग उसको कुछ बनाने के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इट्स अ फॉर गुड तो दैट इज अगर डिस्पोजल ग्लास है तो उसको हम लोग सैड ही कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को उसको उसमें दोबारा फिर नहीं पीना चाहिए और अगर हम उसको अच्छे सेंस में यूज कर रहे हैं तो फिर वो अच्छी चीजें हैं सो दैट चैप्टर इज डन आई होप यू अंडरस्टैंड ओके डाउट्स यू कैन आस्क मी ओके इफ यू एनी डाउट्स यू कैन Ask me after class. Okay, thank you, class. Thank you. I hope you understand if you have any doubts you can ask me chapter this is a syllabus of your unit second chapter 21 to 30 okay this is your last chapter of unit second okay thank you class